हेलो माय डियर स्टूडेंट, इन सस्पेंशन सेकंड लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे एडवांटेज के बारे में कि क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं सस्पेंशन के। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सस्पेंशन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि सस्पेंशन एक बायोफिजिक है जिसको हम लोग हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारा जो इनसॉल्वेबल फॉर्म में होता है या हम लोग कह सकते हैं बहुत पुअरली सॉल्वेबल होता है सॉल्वेंट में, उसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं, जिसमें दो फेज के बारे में डिस्कशन किया था, डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडिया। तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने में हम लोग देखेंगे कि सस्पेंशन के एडवांटेज क्या है। तो वन बाय वन अगर हम लोग इसके एडवांटेज को देखें तो पहला इसका एडवांटेज निकल के आता है च्वाइस ऑफ सॉल्वेंट। च्वाइस ऑफ सॉल्वेंट का क्या मतलब है? पहला अगर देखें एडवांटेज तो च्वाइस ऑफ सॉल्वेंट लिखा गया। च्वाइस ऑफ सॉल्वेंट का मतलब यह है कि हमारे पास सॉल्वेंट में कोई च्वाइस नहीं है। च्वाइस मीन्स कि हम वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, हम कोई भी सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वाटर यूज कर सकते हैं। और ड्रग जो है हमारा वो क्या है? इनसॉल्वेबल फॉर्म में है, यानी वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होगा, इनसॉल्वेबल इन वाटर। अब इस कंडीशन में हमें लिक्विड डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करना है तो हमारे पास कोई च्वाइस नहीं है, इसलिए अब इसको क्या प्रिपेयर करेंगे? सस्पेंशन। ड्रग हमारा इनसॉल्वेबल है, वाटर के साथ सॉल्वेंट का काम करेगा, ये आप ड्रग हमारा डिस्पर्शन फेज एंड वाटर डिस्पर्शन मीडिया होगा और हम बनाएंगे क्या? सस्पेंशन। तो एक चीज तो ये हो गया कि हम यहां पे प्रिपेयर करेंगे सस्पेंशन। तो ये तब हो गई जब हमारे पास च्वाइस ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, यानी हम सॉल्वेंट को च्वाइस नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंड देखें क्या आता है, सेकेंड में आता है स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग में अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो सॉल्वेंट में, यानी अगर हम वाटर ही कह लें, सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने के बाद ये अनस्टेबल हो जाते हैं, यानी अनस्टेबल के फॉर्म में हो जाएंगे। अनस्टेबल है ये किस फॉर्म में? सोल्यूशन के फॉर्म में। ड्रग सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा, उस कंडीशन में अनस्टेबल फॉर्म में। अब अगर इसकी स्टेबिलिटी हमको बढ़ानी है तो हम क्या करना पड़ेगा? इसे ड्रग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनसॉल्युबल फॉर्म में। और अगर इसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा? ये ड्रग सॉल्युबलाइज नहीं होगा और सॉल्युबलाइज न होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ड्रग को इनसॉल्युबल करके जो ड्रग की स्टेबिलिटी पुअर थी सॉल्युबल फॉर्म में, हमने उसको इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दी। एग्जांपल देखते हैं इसका क्या है कि हमारे पास एक ड्रग है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी क्या है? ये वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल भी है और वाटर में अनस्टेबल भी है। कि अब पेनिसिलिन जी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं प्रोकेन पेनिसिलिन में, प्रोकेन पेनिसिलिन जी। अब ये जो प्रोकेन पेनिसिलिन जी में कन्वर्ट किया गया ये इनसॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल होने के नाते अब हम इसका सस्पेंशन प्रिपेयर करेंगे। और अब जो पेनिसिलिन जी अनस्टेबल फॉर्म में था, प्रोकेन पेनिसिलिन जी कन्वर्ट करने से इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के नाते इसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव कर गई। तो हम अपने ड्रग की स्टेबिलिटी सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करके उसकी स्टेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे ड्रग की जो सॉल्युबल फॉर्म में अनस्टेबल है, जैसे कहा गया पेनिसिलिन जी। अब इस पेनिसिलिन जी प्रोकेन पेनिसिलिन जी को पेरेंटल फॉर्मुलेशन फॉर्म में देते हैं। अब इसको पेरेंटल फॉर्म में दिया गया मस्कुलर सिस्टम में, आई मसल्स में देते हैं, और जब मस्कुलर सिस्टम में देंगे तो ये धीरे धीरे हाइड्रोलाइज होगा, यानी प्रोकेन और पेनिसिलिन टूटेगा और पेनिसिलिन जी मसल से रिलीज होकर ब्लड में जाएगा और अपनी एक्टिविटी को शो करेगा। तो यहां पर दो चीजें हो रही, एक तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं, साथ में एक तीसरा जो सिस्टम निकल के आता है, हम एडवांटेज की बात करते हैं, सस्टेन रिलीज, सस्टेन ऑब्लिक प्रोलॉन्ग रिलीज। प्रोलॉन्ग रिलीज, सस्टेन एंड प्रोलॉन्ग रिलीज का मतलब क्या है कि सस्पेंशन में अगर हम अपने ड्रग को सस्टेन रिलीज करना है,
बहुत लंबे समय तक यूज करना है या उसको लंबे समय तक रिलीज करना है, तो फिर हम लोग को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? सस्पेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे हुआ? ये जो प्रोकेन पेनिसिलिन जी, ये तो स्टेबिलिटी भी इंप्रूव हुई, साथ ही जब इसको मसल्स में देते हैं आईएम मसल्स में, तो ये मसल्स में जाने के बाद ये क्या फॉर्मुलेट करता है? डिपॉट फॉर्मेशन करता है। डिपॉट का क्या मतलब होता है? वेयर हाउस। वेयर हाउस, वेयर हाउस का मतलब होता है वो जगह है जहां पे कोई चीज कलेक्ट कर दी जाए, इकट्ठी करके रख दी जाए, स्टोर हाउस। अब ये मसल्स में क्या हो गया? प्रोकेन पेनिसिलिन स्टोर हाउस होके रह गया। अब वहां पे स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद अब ये प्रोकेन पेनिसिलिन धीरे धीरे हाइड्रोलाइज होगा, धीरे धीरे टूटेगा, प्रोकेन अलग होगा वहां से, पेनिसिलिन जी अलग होगा, और पेनिसिलिन जी मसल से रिलीज होके कहां जाएगा? ब्लड में। अब ये क्या हुआ, इसका जो रिलीज रेट है वो धीरे धीरे हुआ, और धीरे धीरे होने के साथ साथ इसका रिलीज रेट बढ़ गया, यानी इसका रिलीज रेट जो पहले आधे घंटे था वो दो घंटे ढाई घंटे, यानी आपने इसका एक्शन रिलीज किया, तो ये आ गया सस्टेन एंड प्रोलॉन्ग रिलीज में। और इसी सस्टेन एंड प्रोलॉन्ग रिलीज को हम लोग कहते हैं पेरेंटल फॉर्मुलेशन में डिपॉट फॉर्मुलेशन। डिपॉट फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि वेयर हाउस फ्रॉम वेयर ड्रग रिलीज स्लोली स्लोली, जहां से ड्रग स्लोली स्लोली रिलीज होता है उसको हम लोग कहते हैं डिपॉट फॉर्मुलेशन। यानी हम लोग को सस्टेन या प्रोलॉन्ग रिलीज भी बनाना है तो हम लोग सस्पेंशन में फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और है इंसुलिन। इंसुलिन देखा जाए कि इंसुलिन को प्रोटामीन जिंक के साथ हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब प्रोटामीन जिंक इंसुलिन जो है वो अगेन फिर हम लोग मसल्स में देते हैं, वो डिपॉट का फॉर्मेशन करता है, वेयर हाउस होता है, और वहां से इंसुलिन ब्रेकडाउन होके धीरे धीरे आपका रिलीज होता रहता है। तो ये सस्पेंशन में कन्वर्ट करने से दोनों चीजें मिली, हमारी स्टेबिलिटी भी इंप्रूव हुई, हमारा जो सस्टेन एंड प्रोलॉन्ग रिलीज की बात कर रहे थे, हमें अगर सस्टेन या प्रोलॉन्ग रिलीज करना है तो उस कंडीशन में भी सस्पेंशन अगर फॉर्मुलेट करें तो हम लोग को सस्टेन एंड प्रोलॉन्ग रिलीज भी। नेक्स्ट एडवांटेज इसका देखें, टेस्ट मास्क। यानी हम लोग सस्पेंशन में फॉर्मुलेट करके टेस्ट को भी मास्क कर सकते हैं। मास्क का मतलब होता है छिपाना, हाइड करना, यानी हमारे ड्रग का जो बिटर टेस्ट है उसको सस्पेंशन में कन्वर्ट करके छिपा सकते हैं। वो कैसे? टेस्ट का मतलब अगर हमारे पास कोई ड्रग है तो अगर हम उसको ओरल रूट से देते हैं तो वो हमारे टंग से क्या होगा? टंग के रिसेप्टर से इंटरैक्ट होगा, ब्रेन को मैसेज आएगा और हमें टेस्ट मिलेगा। उसके लिए ड्रग को सॉल्युबल होना जरूरी है। अगर ड्रग सॉल्युबलाइज नहीं है तो हमारे टंग के रिसेप्टर से वो बाइंड नहीं करेगा। तो अगर हमारा ड्रग सॉल्युबलाइज है तो टेस्ट मिलेगा। अगर हम ड्रग को क्या करें, इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जब हम इसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो जब ये इनसॉल्युबल फॉर्म में टंग पे जाएगा तो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, और जब रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि हम अपने ड्रग के टेस्ट को क्या किए? मास्क कर दिए। जिसका एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल है क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है जो वाटर सॉल्युबल है और बिटर टेस्ट है इसका, बहुत ही नॉक्सियस है, टंग पर रखते वोमिटिंग हो जाएगा। अब ये वाटर सॉल्युबल अगर क्लोरामफेनिकॉल यूज करते हैं तो क्या हुआ, हमें टंग पे जाते ही हमें टेस्ट पता चलेगा और हमें वोमिटिंग हो जाएगी, इससे क्या होगा, पेशेंट डिस्कम्फर्ट होगा। तो हमने क्या किया, क्लोरामफेनिकॉल को कन्वर्ट कर दिया, क्लोरामफेनिकॉल पामिटेट में। अब ये जो क्लोरामफेनिकॉल पामिटेट है ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। अब इनसॉल्युबल है तो क्या बनाएंगे इसका, सस्पेंशन। अब जब सस्पेंशन बना दिया, वाटर इनसॉल्युबल है, अब हमें इसका टेस्ट पता नहीं चलेगा, तो बिटर टेस्ट यानी टेस्ट को मास्क करने के लिए भी सस्पेंशन हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी में हम लोग ये कहते हैं कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है ये हायर होती है एज कंपेयर टू अदर डोजेस फॉर्म। यानी अगर दो अदर डोजेस फॉर्म से करें तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी हायर होती है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट किसकी बात करें, मोनोफेजिक के। मोनोफेजिक सॉल्यूशन को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी डोजेस फॉर्म हैं उनमें इसकी बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है,
और उसका रीजन क्या है, बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था कि सस्पेंशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, फाइन पार्टिकल। फाइन पार्टिकल का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, और ये जो फाइन पार्टिकल यूज करते हैं इनका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होने के नाते इनकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। साइज रिडक्शन में पढ़ा होगा कि बायोअवेलेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम पार्टिकल के साइज का रिडक्शन करते हैं। तो यहां पे बायोअवेलेबिलिटी में ये चीजें हमें याद रखनी है कि बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो सस्पेंशन की बायोअवेलेबिलिटी अदर डोजेस फॉर्म से, चाहे टैबलेट्स हो, कैप्सूल हो, टॉपिकल फॉर्मुलेशन हो, उनके कंपेयर में इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन हम इसको मोनोफेजिक सोल्यूशन से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मोनोफेजिक सोल्यूशन से कंपेयर करेंगे तो मोनोफेजिक सोल्यूशन की बायोअवेलेबिलिटी बायोफेजिक से ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में और डोजेस फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है। उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ देयर पार्टिकल साइज। फाइन पार्टिकल साइज यूज करते हैं जिससे इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने के नाते इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी ज्यादा। कुछ और एडवांटेज देखते हैं, नेक्स्ट देखें टॉपिकल फॉर्मुलेशन में भी सस्पेंशन यूज किया जाता है। अगर आप देखें तो कैलामाइन लोशन सबसे ज्यादा, कैलामाइन लोशन एक सस्पेंशन है। अगर हमें स्किन इन्फेक्शन के लिए सस्पेंशन प्रिफर कर सकते हैं, जो वैक्सीन हम लोग यूज करते हैं जैसे कॉलेरा वैक्सीन, ये भी सस्पेंशन के फॉर्म में ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं। सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन, इन्फेंट्स एंड जेरियाट्रिक्स पेशेंट। तो ये चूंकि अगर सस्पेंशन लिक्विड डोजेस फॉर्म में, अगर आप लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये जो लिक्विड डोजेस फॉर्म का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि ये चिल्ड्रन के लिए सुटेबल होता है, इन्फेंट्स के लिए सुटेबल होता है और जेरियाट्रिक्स पेशेंट्स के लिए। क्योंकि जो इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेंस होते हैं इनमें स्वॉलोइंग प्रॉब्लम होती है, कि स्वॉलोइंग प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया कि ये लर्न नहीं किए होते। स्पेशली इन्फेंट्स की अगर बात करें तो इन्फेंट्स के अंदर स्वॉलोइंग लर्न होती नहीं है, तो उनको हम लोग कोई और डोजेस फॉर्म नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए सस्पेंशन क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। डिजाइन फॉर एनी रूट ऑफ एडमिशन, सस्पेंशन के लिए हम कोई भी रूट प्रिफर कर सकते हैं। रूट का मतलब हम टॉपिकल रूट भी प्रिफर कर सकते हैं, स्किन के लिए जैसे कैलामाइन लोशन, हम लोग ओरल रूट प्रिफर कर सकते हैं, डाइजिन हम लोग देखते हैं सस्पेंशन का बेस्ट एग्जाम्पल ओरल रूट से। पेरेंटल फॉर्मुलेशन हम लोग इंजेक्शन में देखें तो पेरेंटल फॉर्मुलेशन, इंसुलिन, अभी मैंने कहा प्रोटामिन, जिंक इंसुलिन, पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन जी, तो यहां पे हम लोग कोई भी रूट प्रिफर कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास बेस्ट चॉइस होता है सस्पेंशन, कि हम किसी रूट से इस ड्रग को दे सकते हैं, सॉरी इस डोजेस फॉर्म को दे सकते हैं। फ्लेक्सिबल डोजिंग, फ्लेक्सिबल डोजिंग का मतलब कि अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करें तो फ्लेक्सिबल डोजिंग होती है, और खासकर चिल्ड्रेन और इन्फेंट्स में फ्लेक्सिबल डोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि आपको ड्रग 5 mg देना है, 10 mg देना है, यानी 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, तो आप डोज में फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं कि आप उस डोज को अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की एज आप उसको ड्रग दे सकते हैं। एक्सरे कंट्रास्ट एजेंट, मीन्स जब एक्सरे किया जाता है तो उसमें कंट्रास्ट एजेंट यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग बेरियम सल्फेट सस्पेंशन के फॉर्म में यूज करते हैं, और ये GIT एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है। तो ये दीज आर अ वेरियस एडवांटेजेस, ये एडवांटेजेज है सस्पेंशन के, जिसमें स्टार्ट आपने किया चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट की चॉइस नहीं है तो हम लोग सस्पेंशन प्रिपेयर करेंगे, हमें बायोअवेलेबिलिटी इंप्रूव करनी है हम लोग सस्पेंशन प्रिफर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी की बात की कि हम अपने ड्रग की स्टेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं तो हम लोग सस्पेंशन प्रिफर्ड कर सकते हैं। हमें टेस्ट मास करना है, सस्पेंशन प्रिफर्ड कर सकते हैं। साथ ही अगर सस्टेन और कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन की बात करें तो भी सस्पेंशन प्रिफर्ड कर सकते हैं। टॉपिकल फॉर्मुलेशन के लिए भी कर सकते हैं, वैक्सीन है, चिल्ड्रेन इन्फेंट्स के लिए सुटेबल होता है, कोई भी रूट हम डिजाइन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल डोजिंग है, और खासकर हम लोग इसको इन्वेस्टिगेशन में भी यूज करते हैं जैसे एक्सरे कंट्रास्ट एजेंट में। तो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट हम लोग बात, अब देखें डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे जो मेजर डिसएडवांटेज है वह सेडिमेंटेशन, सस्पेंशन का सबसे मेजर डिसएडवांटेज सेडिमेंटेशन। तो यहां पे स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि यहां पे जो ड्रग इंसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट होता है और ये नीचे सेटल डाउन होते हैं। ये जो सेटल डाउन होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन, और अगर हम इसको टाइम से कंपेयर करें तो इसको कहते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। तो ये सेटलमेंट हुआ, इसी को हम लोग कह रहे हैं सेडिमेंटेशन, और हम लोग सेडिमेंटेशन सस्पेंशन में रोक नहीं सकते।
जीरो नहीं किया जा सकता है, तो सेडिमेंटेशन रेट को हम लोग कर सकते हैं, उसको स्लो कर डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमारा जो ड्रग पार्टिकल इंसॉल्युबल फॉर्म है वो सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जब भी हम लोग लेबल लिखते हैं लिखा जाता है सेक वेल बिफोर यूज, यानी यूज करने से पहले इसको क्या करना है, सेक करना है। सेक इसीलिए करना है कि जो सेडिमेंटेशन है, ये पार्टिकल जो सेडिमेंट है पूरे सिस्टम में क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए। डोज एरर, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, डोज एरर, एक्यूरेट डोजिंग नहीं हो पाती एज कंपेयर टू द सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। अगर टैबलेट एंड कैप्सूल से अगर इसको कंपेयर करें तो थोड़ी सी डोज एरर की प्रॉब्लम यहां पे आती है। अब अगर मेजरिंग कैप यूज करते हैं तब तो डोज एरर की प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर आप स्पून यूज करते हैं तो डोज एरर की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्पून में देखें तो क्राइटेरिया होती है, टी स्पून होता है। स्पून भी हमारे तीन तरह के होते हैं, टी, टेबल एंड डेजर्ट स्पून। ये तीन तरह के स्पून होते हैं और तीनों की क्वांटिटी अलग अलग होती है। ये 5 to 6 ml, टेबल 15 to 16 ml और ये 7 to 8 ml। अब अगर आप देखें तो चाय के जो चम्मच है, स्पून है, वो उसकी कैपेसिटी 5 से 6 ml, जो टेबल की बात करें 15 से 16 और डेजर्ट की बात किया 7 to 8 ml। तो आपके घर में कौन सा स्पून है आपको पता नहीं कि टी है कि टेबल है कि डेजर्ट है, डॉक्टर ने कहा आपको 2 चम्मच दवा लेनी है, अब वो टी टेबल तो लिख दिया, लेकिन आप कौन सा स्पून यूज कर रहे हैं, टी यूज कर रहे हैं, लेना आपको टेबल था लेकिन टी, तो डोज एरर की प्रोबेबिलिटी आती है। इसलिए लिक्विड डोजेस फॉर्म के साथ अब मेजरिंग कैप दिया जाता है जिससे हम डोज को एक्यूरेट मेजर करें, लेकिन सॉलिड के कंपेयर में अगर हम लोग इसको बात करें तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है डोज एरर की। एडिशनल एक्सिपिएंट यूज होगा, और एडिशनल एक्सिपिएंट जो यूज हो रहा वो एक्सिपिएंट क्या है, अगर सस्पेंशन हम लोग बनाएंगे तो स्टार्टिंग में मैंने बात था कि हम लोग यूज करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट, तो ये जो सस्पेंडिंग एजेंट यूज कर रहे हैं ये एडिशनल एक्सिपिएंट है। साथ में फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड, इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। तो फ्लॉकुलेटिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, ये क्या है वहां से आप लोगों को समझ में आएगा। तो फ्लॉकुलेटिंग एजेंट यूज किया जाता है, तो और भी इंग्रेडिएंट सब फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं, लेकिन यहां पे इस तरह के एक्सिपिएंट बढ़ जाता है, इसलिए कहा गया कि एडिशनल एक्सिपिएंट यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई है, लिक्विड डोजेस फॉर्म का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होता है क्योंकि बल्की होते हैं, स्पेस इनको ज्यादा चाहिए, इसलिए इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म में कंपेयर करें तो सस्पेंशन की ज्यादा होगी। मोर स्पेस रिक्वायर्ड, ज्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि फिर वहीं पे बात आती है कि ये बल्की होते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आपको जो एडवांटेजेस में पॉइंट्स याद करने हैं, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट याद करना है, स्टेबिलिटी याद करना है आपको, सस्टेन एंड प्रोलॉन्ग रिलीज याद करना है, टेस्ट मास्क आपको याद रखना है, बायो अवेलेबिलिटी है, टॉपिकल फॉर्मुलेशन था, वैक्सीन हम लोग बना रहे थे, वो सारे एडवांटेजेस आपको याद रखने हैं। साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस याद रखने हैं कि डोज एरर है, सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एडिशनल एक्सिपिएंट यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है और मोर स्पेस रिक्वायर्ड है। तो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ द सस्पेंशन, कि सस्पेंशन की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू।